बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को कहा कि जो सरकार 2005 से पहले रही है उन्हें कानून व्यवस्था पर कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि 2005 से पहले का जो जंगल राज था उसे याद करके सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या उस समय कार्रवाई की जगह मुख्यमंत्री आवास में समझौता किया जाता था, लेकिन आज वैसा नहीं है। आज घटनाएं घटती है लेकिन त्वरित कार्रवाई करते हुए न्याय किया जाता है। तेजस्वी यादव के बयान पर भड़कते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे लोग तो थेतराई करते ही लालू प्रसाद यादव और फिर तेजस्वी यादव की महागठबंधन सरकार जो 2005 से पहले रही है उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का अधिकार नहीं है, कोई वजह नहीं है। यहाँ जो वारदातें हो रही है उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन उस समय तो फिर कार्रवाई नहीं होती थी बल्कि सीएम हाउस में नेगोशिएशन यानी कि मोल भाव होता था। आज वैसा नहीं हो रहा है इसलिए तेजस्वी यादव कुछ कहे तो फिर वे थेतराई करते ही 2005 के पहले का जो लॉ एंड ऑर्डर था जंगल राज था जब उस चीज को याद करते हैं तो फिर सब लोगों का रोआ कांप जाता है। अभी वह स्थिति आने का सवाल ही नहीं उठता है। ऐसी एजेंसियां बनी हैं, छिटपुट घटनाएं होती रहती है। घटनाएं एक बात है लेकिन उन पर त्वरित कार्रवाई होना दूसरी बात है। आज कोई भी घटना होती है तो फिर उस पर त्वरित और उचित कार्रवाई होती है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब ऐसा नहीं कहा जा सकता।